a 12-fuck swat. Busting all the bells out the box. I just hit a lick with the box. Had to put the stick in the box. Pour up your whole damn seal. I'ma get lazy. I got the mojo deal. Keep it trippin' like me. She's such a nigga, so got cash, yeah. Told her wipe a nigga, no. Say slash that. I won't never sell my soul. And I can back that. Hello riders, I hope you all are doing great, and today we are going to talk about KTM Duke 250 2024 edition ke baare mein. So let's begin. Before we get into the video, let me clarify, is video mein bas walk around and detail review hai, isme ride review nahi hai kyunki presently test units available nahi hai. So later on main iska ek ride review upload karunga isi channel mein, and if you want to see that you can subscribe to the channel. तो हम शुरू करते हैं इसके लुक से. एज यू कैन सी, इसका लुक कम्प्लीटली डिफरेंट हो चुका है फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन, और इसका लुक इज सिमिलर टू द ब्रांड न्यू ड्यूक 390, जिस पर भी मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा सून. बट फॉर नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ड्यूक 250 2024 एडिशन. एज यू कैन सी इन द वीडियो, द बाइक हैज बिकम बिगर एंड बल्कियर देन द प्रीवियस जनरेशन. इसके फेयरिंग्स अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है टुवर्ड्स द फ्रंट, like the bigger dukes like the 790 or the super duke, which make it look bulkier and bigger. Personally I like this design, especially iska jo end section hai ya fir tail section hai, waha pe aluminium swing arm ko add kar diya gaya hai, aur ye aapko dikhega 790 duke mein, usme bhi aluminium swing arm type ka design hai. And isme jo design hai wo thoda alag, isme like sharp fins type ka design diya gaya hai. I personally love it, and with the offset suspension it looks like a big bike. क्योंकि आप notice करोगे previous generation के Duke या फिर RC, उनमें जो panels के बीच में gap होता था या फिर bike के बीच में जो engine या फिर components के बीच में हल्के फुल्के gap होते थे, तो वो transparent होते थे, तो आप bike थोड़ा हल्का type का दिखता था. इसमें आपको दिखेगा panel gappings बहुत कम है, इसमें हर part या फिर हर panel continuity है, बीच में कोई gaps नहीं है. सो ये लग कंप्लीट बाइक दिखता है और एक प्रीमियम फील भी देता है. कलर टेक्सचर्स बहुत अच्छे हैं इस बाइक में. एज यू कैन सी द फील इज़ रियली गुड, एंड एज आई सेड कि गैप्स नहीं है, तो ये बिग बाइक एंड एक कंप्लीट बाइक वाला लुक देता है, विच इज़ जस्ट अमेजिंग कि ये इतने कम प्राइस में इतना अच्छा एक ऑप्शन आपको प्रोवाइड करता है. डिज़ाइन एंड लुक पर्सनल प्रेफरेंसेस है, मुझे पसंद आया इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी पसंद आए. सो आई रिकमेंड कि आप एक बार KTM के शोरूम जाएँ, बाइक को देखें और फिर डिसीजन बनाएं कि ये आपको पसंद आया या नहीं. मूविंग ऑन टू द इलेक्ट्रॉनिक्स, एज वी नो KTM में इलेक्ट्रॉनिक्स भर के आते हैं और हर जनरेशन के साथ वो इम्प्रूव होते हैं. इस बार 250 में इतने अच्छे इलेक्ट्रॉनिकल इम्प्रूवमेंट्स आए हैं. लेट मी स्टार्ट द लिस्ट विद द डैश. इट्स नॉट ए TFT यूनिट बट नॉट लेस देन दैट. इसमें वो हर चीज़ है जो पुराने ड्यूक 390 के TFT डैश में आता था, बट ऑन ए डिजिटल कंसोल. आई विश कि ये एक TFT यूनिट होता, बट वी नीड टू कीप इन माइंड कि प्राइस पॉइंट एंड डिफरेंस बिटवीन 390 एंड 250, ये दो पॉइंट है जिनकी वजह से इसमें TFT नहीं आता, स्पेशली इन इंडिया. TFT यूनिट अगर 250 में भी इंट्रोड्यूस किया जाए, देन देयर विल बी लेस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द 390 एंड 250, और जिससे लोग ज़्यादा 250 परचेस करेंगे रादर देन 390, एंड दैट इज़ नॉट प्रॉफिटेबल फॉर द कंपनी. सो दे विल कीप द प्रीमियम फीचर्स फॉर द 390 एंड कीप बेटर ऑल्टरनेटिव फॉर द 250. टॉकिंग अबाउट द डिजिटल कंसोल, इसके जो स्विच गियर्स है वो सिमिलर है प्रेजेंट जनरेशन ड्यूक 390 से, एंड द लेआउट ऑफ द डिस्प्ले इज सिमिलर टू द प्रीवियस जनरेशन ड्यूक 390 TFT डिस्प्ले, बट इट कम्स इक्विप्ड विद ऑल द फीचर्स विच आर अवेलेबल इन द प्रेजेंट जनरेशन ड्यूक 390, लाइक लैप टाइमर, इंजन टेम्परेचर, क्विक शिफ्टर एंड ऑल द अदर थिंग्स. Even navigation is available in this one, and this is the first time Duke 250 is getting navigation. Talking about first time, इसमें ऐसा बहुत कुछ है जो first time है Duke 250 के लिए, and we'll cover all of them in this video. As you can see in the video, इसके extra function वाले option के अंदर एक RCM का option है. I don't know इसका मतलब क्या है. I did some research, but मुझे इसका मतलब पता नहीं चल पाया. So if you know the meaning of this RCM option, then let me know in the comment and all the other people by commenting down what it means. जैसे कि मैंने mention किया, इसमें first time बहुत सारी चीज़ें हैं, like
Quick Shifter. Quick Shifter is now standard in Duke 250, as well as it comes equipped with call receiving and Bluetooth function like the 390 Duke, and it also comes with navigation, जो कि फर्स्ट टाइम है Duke 250 के लिए. आप इसको अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हो जस्ट लाइक द 390. एंड आपके फ़ोन से कनेक्ट करने के बाद आपके फ़ोन में जितने भी कॉल्स आएंगे या फिर आपका म्यूजिक कंट्रोल और द नेविगेशन, यह सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हो थ्रू द डिस्प्ले जस्ट लाइक द 390. सो अभी Duke 250 एंड 390 के बीच का जो डिफरेंस है वो और भी कम हो गया है. सेइंग दैट अभी इसमें जो सस्पेंशन है वो एडजस्टेबल नहीं है, अनलाइक द 390, उसमें वो एडजस्टेबल आते हैं, बट इसमें एडजस्टेबल नहीं है. बट यस, रियर सस्पेंशन इज एडजस्टेबल बट नॉट द फ्रंट वन. एज यू कैन सी, इसका जो सस्पेंशन है वो ऑफसेट सस्पेंशन बन चुका है. प्रीवियसली इसका सस्पेंशन मिडिल में होता था, इसके वजह से बहुत सारा स्पेस कवर हो जाता था सस्पेंशन को बैठाने के लिए. और अभी इसको साइड माउंट करने की वजह से इसका ईयरबॉक्स और भी बड़ा हो गया है. एंड इवन द बेटर थिंग जो मुझे लगता है जो कंज्यूमर्स के लिए मैटर करता है वो है कि सस्पेंशन जब साइड में माउंट है तो आप इसे इजीली एडजस्ट कर सकते हो, अनलाइक द प्रीवियस वन जिसको एडजस्ट करने के लिए क्वाइट डिफिकल्टी फेस करना होता था, क्योंकि वो आपके व्हील एंड चेसी के बीच में होता है. सो उस जगह पे आपको हाथ डाल के उसको एडजस्ट करना थोड़ा प्रॉब्लम होता था, बट अभी ये साइड में माउंट है सो उसको एडजस्ट करना क्वाइट ईजी है. अनदर ग्रेट एड ऑन इज द एडिशन ऑफ हैजार्ड्स. अब तक किसी भी KTM के बाइक में हैजार्ड का ऑप्शन नहीं था. ये मुझे बहुत ही रिडिकुलस लगता था, क्योंकि लाइक आफ्टर पेइंग 360,000 और स्पेशली लाइक एडवेंचर 390 स्पोक व्हील जो एक्शन 360,000 का है उसमें भी हज़ार का ऑप्शन नहीं था. और आज के डेट में अगर आप एक 150cc का भी बाइक लेते हो उसमें भी हज़ार का ऑप्शन आता है. सो आई फील लाइक कि हज़ार तो होना ही चाहिए. एंड विद दिस जनरेशन अभी KTM में हज़ार का ऑप्शन आ गया है, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि अपकमिंग जितने भी KTMs के बाइक होंगे उनमें हज़ार का ऑप्शन अवेलेबल होगा. अब बात करते हैं हम इसके अर्गोनॉमिक्स के बारे में. इसका अर्गोनॉमिक्स बहुत ही रिलैक्स एंड कंफर्टेबल है जस्ट लाइक द प्रीवियस जनरेशन, एंड परफेक्ट है आपके डेली यूजेज या फिर आपके लॉन्ग राइड्स के लिए. इसके सीट हाइट को भी रिड्यूस कर दिया गया है टू 800 mm, एंड इसका ग्राउंड क्लियरेंस को इंक्रीज कर दिया गया है बाय 176 mm. इसके सीट्स को भी इम्प्रूव कर दिया गया है. एज यू कैन सी इसका जो फिनिश है या फिर जो टेक्सचर है उसे चेंज कर दिया गया है, एंड इट हैज़ बिकम मोर कम्फर्टेबल एंड कुशनी फॉर बोथ राइडर एंड पिलियन. दिस चेंजेस हैज मेड दिस बाइक मोर अपीलिंग टू ए बिगर मास ऑफ पीपल. जब मैं इस बाइक में बैठा था मुझे फील हुआ कि इसका हैंडल बार वाइडर है देन द प्रीवियस जनरेशन, एंड द टैंक इज नाउ 15 liters, एंड इट इज़ 2 more liters देन द प्रीवियस जनरेशन. बात करते हैं हम इसके ब्रेकिंग परफॉर्मेंस के बारे में. इसके फ्रंट में आपको 320mm का डिस्क एंड 4 caliber पिस्टन मिलता है, एंड रियर में 240mm का डिस्क एंड 2 caliber पिस्टन मिलता है. और इसके टायर स्पेसिफिकेशन सिमिलर है इसके प्रीवियस जनरेशन से, यू कैन सी देम ऑन द स्क्रीन. 1 of the biggest change इन दिस बाइक इज इट्स चैसी. इसका चैसी कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है, एंड इट्स अ टेलिस फ्रेम बट विथ एन एल्यूमिनियम रियर एंड. नाउ हाउ दैट अफेक्ट योर राइड, दैट इज समथिंग वी विल फाइंड आउट इन द राइड वीडियो. अब हम बात करते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट के बारे में, विच इज इट्स इंजन. इस इंजन को रीनेम कर दिया गया है टू LC4C इंजन, एंड इसका जो क्लच कवर है उसे भी चेंज कर दिया गया है टू दी न्यू Duke 390 क्लच कवर, एंड इसमें बैजिंग आता है LC4C इंजन का. बट स्टिल इसका डिस्प्लेसमेंट सेम है, स्टिल दी 249cc इंजन, बट नाउ इट प्रोड्यूसेस लिटिल मोर पावर. नाउ इट प्रोड्यूसेस 31 PS ऑफ हॉर्स पावर एंड 25 Nm ऑफ टॉर्क, एंड इट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ द न्यू लार्जर ईयर बॉक्स. एंड टू कूल डाउन ऑल दिस you got a new curved radiator which was first introduced in the Adventure 390 and carried forward to the RC and the Duke 390 and now in the 250. In my experience, Duke 250 का इंजन सबसे ज़्यादा refined है इन द होल लाइनअप, क्योंकि मैंने इस इंजन को Duke 250 में भी ट्राई किया है, Terminator 250 में भी ट्राई किया है, एंड Husqvarna 250 में भी ट्राई किया है, एंड ऑल द बाइक्स आर refined. सो अगर आप इस बाइक को कंसिडर कर रहे हो आपके डेली यूजेज के लिए या फिर रेगुलर यूजेज के लिए, देन आई हाईली रिकमेंड यू गिव इट अ शॉट, गो गेट अ टेस्ट राइड, एंड आई बिलीव दैट यू लव दिस बाइक. अगर आपको इस इंजन का एग्जॉस्ट नोट सुनना है वो टिल एंड, मैंने एंड में इसका एग्जॉस्ट नोट डाला हुआ है. नाउ लेट्स एंड दिस वीडियो बाय टॉकिंग अबाउट सम बिट्स एंड बाइट्स व्हिच आई लाइक अबाउट दिस बाइक. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें राइड बाय वायर भी आता है,
but it misses out on the adjustable levers on the brake and the clutch. Not a big problem. Agar aapko adjustability chahiye, then just purchase the 390 levers and put them on this bike. Another thing which I noticed is ki iska jo brake oil reservoir hai, the front one and the rear one, dono hi change kar diya gaya hai by design. Iska jo front one hai, wo acha lag raha hai and the rear one looks really great. इसके ग्रैब रेल को बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है. एज यू कैन सी, इसका ग्रैब रेल इसके जो टेल लाइट सेक्शन है वहाँ तक इसको स्ट्रेस्ड आउट किया गया है, सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट योर टेल लाइट इवन इफ यू पुट समथिंग हैवी ऑन द रियर सीट, लाइक इफ़ यू आर कैरिंग समथिंग हैवी और पुटिंग सम लगेज, उसके वेट से, लगेज के वेट हो या फिर किसी भी चीज़ के वेट से टेल लाइट पर प्रेशर ना आए, इस तरीके से इसके रियर पिलियन ग्रैब रेल को डिजाइन किया गया है. अनदर थिंग विच यू मस्ट हैव नोटिस बाय नाउ, इसमें मडगार्ड नहीं आता है, बट इसमें अभी साड़ी गार्ड आता है. पहले हम लोग मडगार्ड के साथ साथ साड़ी गार्ड भी रिमूव कर देते थे, बट अभी बस साड़ी गार्ड को रिमूव करना है. अभी इसका जो मडगार्ड है वो इसके टेल सेक्शन के साथ कनेक्टेड है, जस्ट लाइक अदर बाइक, बट यू कैन स्टिल रिमूव देम बाई अनडूइंग द स्क्रूज इन द बैक. एंड दिस बाइक कम्स इन टू कलर ऑप्शंस, बोथ आर शोन इन द वीडियो. लेट मी नो इन दी कमेंट्स कि आपको कौन सा वाला कलर पसंद आया. पर्सनली मुझे ऑरेंज वाला कलर ज़्यादा पसंद आया, दी ऑरेंज एंड ग्रे विच आई वॉज रिव्यूइंग इन द होल वीडियो, एंड दी व्हाइट वन इज गुड बट आई पर्सनली लाइक दिस वन. थैंक्स फॉर वॉचिंग. मैं सून इसका राइड रिव्यू अपलोड करूँगा एंड सून मैं ड्यूक 390 प्रेजेंट जनरेशन का भी एक वीडियो अपलोड करूँगा. अगर आप इंटरेस्टेड हो देन यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल. और अगर आपको कोई डाउट या फिर क्वेश्चन है रिगार्डिंग दी ड्यूक 250, देन यू कैन पुट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल ऑफ देम. थैंक्स फॉर वॉचिंग.